जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक भी फिर से फ्रांस के क्रांति के बारे में है। देखिए यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, अगर हम लोग देख ले तो इसमें दिया है जीने का संघर्ष। देखिएगा एक मूल बातें है कि आदमी को जीने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिना संघर्ष किए कोई जी सके। इसके लिए एक बहुत अच्छा कहावत है कि दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। यानी कि हमें जो करना है उसे हर हालत में करनी चाहिए। ठीक इस फ्रांस की क्रांति की तरह देखिएगा कि कहानी नहीं है, एक सत्य घटना है, 1789 की है। उस वक्त फ्रांस की 2 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या है और फ्रांस की जनसंख्या बता रहे हैं 1715 में 2 करोड़ 30 लाख थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो गई है। और उसमें जो है अनाज के उत्पादन जो बहुत कम थी और मांग बहुत ज्यादा थी और लोग जो है जीने का संघर्ष कर रहे थे। देखिएगा जैसे कि हम लोग आसान समझ सकते हैं कि उस दिन पहले कोरोना आया था, लॉकडाउन आया था, तो हर आदमी यही चाहता था कि पहले जान बचा लो, उसके लिए खाद बच जाएंगे तब हम लोग कमाएंगे। उस वक्त लगा था कि जिंदगी किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है दुनिया क्या कहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और देखिएगा इसमें दिया है कि अधिकांश लोग का मुख्य खाद्य पदार्थ जो था वो पाव रोटी थी और उसमें भी काफी तेजी से क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। और अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, लेकिन मजदूरी जो है गवर्नमेंट ना तय करके मजदूरी जो है जो कारखाना के मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक थे, वही तय करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इतना मजदूरी नहीं मिल पाता था कि उनका आपका जो है जीने के लिए पर्याप्त जो है खाद्य पदार्थ और रहने के लिए घर का हो सके, आश्रय मिल सके। इसीलिए लोगों ने बहुत बड़ा का किया था कि वहां पर जो है आंदोलन खड़ा कर दिया। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, हम आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अगला इसमें टॉपिक्स है कि 1.3। देखिएगा उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों की अंत की कल्पना की। देखिएगा हर राजा के पास जो है एक विशेष अधिकार होता था। उसमें अभी भी बहुत सारे हमारे देश में कानून है, नियम है कि सरकार के पास बहुत सारे क्या है विशेष अधिकार है कि अगर कोई भी देश की जनता या आम जन अगर सरकार के खिलाफ काम करती है तो सरकार उस कानून को क्या करती है, अप्लाई करती है, मुख्य रूप से लगाती है, विशेष अधिकार का प्रयोग करके सरकार जो इसे जेल में बंद कर देती है। ठीक उस वक्त भी ऐसा ही था। तो जो सरकार के पास उस जमाने में जो विशेष अधिकार थी लोगों के, जो मिडिल क्लास के लोग थे, कैसे उन लोगों ने क्या किया था उस अधिकार को समाप्त कर दिया था या कल्पना किया था कि कैसे इस अधिकार को खत्म किया जाए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये घटना फ्रांस की है। अगर हम लोग के आसपास में भी सरकार है बहुत सारे नियम बनाती है, कानून बनाती है, और कुछ ऐसे कानून और नियम बन जाते हैं जो आम जनता के क्या होते हैं पक्ष के लिए सही नहीं होते हैं, तो लोग क्या करता है उसके लिए रोड जो है क्या बोलते हैं रोड पर आकर विरोध प्रदर्शन करने का काम करता है, जिसके लिए सरकार झुक जानी पड़ती है और वह जो उस कानून को फिर का किया जाता है वापस ले लिया जाता है। ओके उसी तरह से हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें उस समय की, तो पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। मतलब कि जो आपके जो 1789 में जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, तो ऐसी बात नहीं थी कि वह क्रांति पहली बार हुई थी, वहां पर उससे पहले भी वहां के जो किसान थे या कामगार लोग थे सरकार के खिलाफ क्या करते थे समय समय पर जो है विद्रोह करते थे, लेकिन विद्रोह इतना मजबूत नहीं हो पाता था कि सरकार को क्या कह सके या राजा को झुकाया जा सके। लेकिन हाँ एक बात थी कि हाँ विद्रोह होते थे, क्यों होते थे, परंतु उनके पास क्या नहीं था, तो समाज एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए संसाधन और कोई कार्यक्रम क्या था नहीं था। आसान बस समझे कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में जो आंदोलन करना रहा होता था, विद्रोह करना होता था, उनके लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, या किस बात को मुद्दा बनाया जाए वह उनके पास कोई प्लान क्या था नहीं था। जब जरूरत पड़ता था तो लोग क्या करता था कि अपना जो है विद्रोह करता था, विरोध करता था। इसलिए अगर हम कहेंगे कि कभी भी अगर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना है तो बिना मतलब हम हल्ला नहीं बोल सकते, उसके लिए हम बजबते जो है एक प्लान की तरह क्या करेंगे, काम करके उसको हमला कर सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे तभी बात बन सकती है। जैसे कि वही बात है कि दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। मतलब कि अगर हम प्लान के बनाकर सरकार को नीति के खिलाफ काम करें तो सरकार उस बात को मानने के लिए क्या होगा, बद होना पड़ेगा।
वही बात यहाँ है। इसीलिए पहले जो किसान थे या कामगार लोग थे तो ये जो विद्रोह जो करते थे तो उसमें उनके पास कोई सामाजिक और कोई आर्थिक जो क्या थी व्यवस्था क्या थी बढ़िया नहीं थी। उसके लिए ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो संविद और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। लीजिए पॉइंट एक और आ गया कि जो थर्ड क्लास के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था था वो तीन भागों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट में जो व्यापारी वर्ग था या वकील था या समृद्ध लोग थे उन्होंने बिना उठाया विद्रोह करने किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। क्यों? क्यों? उनको लगता था कि कहीं ना कहीं जो राजा है जो प्रशासन है ये हमारे खिलाफ क्या कर रही है, काम अच्छा नहीं कर रही है। तो उसमें उन लोगों ने उठाया जो काफी समृद्ध थे और शिक्षित थे। यानी बात फिर पॉइंट पर आ गई कि अगर हमें कोई भी विद्रोह करना हो या सरकार के खिलाफ काम करना हो तो बेवकूफों का सहारा से नहीं हो सकता है। यानी जब तक हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, कुछ समझदार नहीं होंगे, प्लान नहीं सोच सकते हैं, तब तक हम किसी भी सरकार के खिलाफ विरोध कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि विरोध करने के लिए एक पर्याप्त हमें पास क्या होना चाहिए, खुद का प्लान होना चाहिए। अपना खुद का प्लान होना चाहिए, फिर से वही बात कि दुनिया क्या कहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें प्लान करना पड़ेगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। ओके, आगे बात कर सकते हैं। वही बात लिखा है कि ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। मतलब कि ये लिखा हुआ है कि जो सरकार का जो विशेष अधिकार था उस विशेष अधिकार को अंत करने के लिए जो सबसे जिम्मेदार लोग आए वह थर्ड स्टेट के लोग थे, यानी कह सकते थर्ड क्लास लोग थे। लेकिन थर्ड क्लास में जो फर्स्ट क्लास लोग थे मतलब कि जो समृद्ध थे और शिक्षित थे वही काम कर सकते हैं। यानी कि हमें कह सकते हैं कि समाज में हमारा हैसियत क्या है उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात पक्का है कि हमें समृद्ध होना पड़ेगा और हमें शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षित और समृद्ध नहीं होंगे तब तक हमारा हैसियत पता नहीं लग सकती है, ठीक है ना। अगला स्टेप दिया है कि जो 18th सेंचुरी था 18वीं सदी में नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसके मध्य वर्ग कहा गया, यानी कि मिडिल क्लास कहा गया। 18th सेंचुरी में एक नया जो है सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसको मिडिल क्लास मतलब कि मध्य वर्ग कहा गया, जिसे फैलती समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर उन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में क्या किया था, धन संपत्ति अर्जित कर ली थी। और इसी के माध्यम से अन्य देशों के लोगों के संपर्क में होने के बाद से लोगों से मिलजुल क्या हो गया था, बढ़ गया था, जिसके कारण इनका जो एक्सपीरियंस जो था काफी ज्यादा बढ़ गया था और साथ में ये काफी क्या थे, शिक्षित थे। साथ में ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के सभी लोग ही उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी क्या थे, शामिल थे। नहीं कि मैं फिर से बता देते हैं कि जो लोग ने राजा के खिलाफ विद्रोह करने काम किया उसमें कोई आम लोग नहीं था, खासकर समृद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग, वकील या बड़े सौदागर या बड़े व्यापारी लोग था। किसके बारे में, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी जो शुरुआती दौर में जो मध्य आपका जो मिडिल क्लास में जो उच्च तबके के लोग थे उन्होंने क्या किया था, हिस्सा लिया था और वहां पर जो उनका जो सरकार के द्वारा बनाया गया जो विशेष अधिकार था उसका उन्होंने क्या किया था, अंत कर दिया था। आगे हम लोग बात करते हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे थे। यानी मैं आपको बता देते हैं अगर कोई बहुत बड़ा विद्रोह करना है, बहुत बड़ा आंदोलन चलाना है तो उसमें पढ़ा लिखा आदमी का होना बहुत जरूरत है, क्योंकि हर सिचुएशन को हर समय क्या कर सके, भाप सके, समझ सके और अगला कदम क्या है वो उठाया जा सके। वही बात है, ये सभी लोग पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मान यानी कि जन्मजात विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको पहले भी पता था जो कुलीन वर्ग थे और जो पादरी वर्ग थे उनके पास जन्मजात क्या था, विशेष अधिकार लेकर पैदा होते थे। लेकिन इन मध्य वर्गों के लोगों का आना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम पैदा कुछ भी हुए लेकिन तुमको पावर का है नहीं है, तुम जन्म से ही तुम्हारे पास कोई विशेष अधिकार का रहेगा नहीं रहेगा। और ऐसा हुआ भी, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई लड़का है और उसके पिताजी IAS अधिकारी है, ठीक है ना, तो उसके पिताजी IAS अधिकारी है नहीं कि अब वो पैदा हुआ तो वो भी अब IAS अधिकारी बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात जो है उन लोगों ने कहा जो मध्य वर्ग थे यानी मिडिल क्लास थे और काफी समृद्ध थे और पैसे वाले थे। अगली बात समझ में, उसके बाद से किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी
योग्यता ही होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी भी क्या है एक आपका जो हम हमारे भी योग्यता है, हमारा भी एजुकेशन है कि हम इतना तक पढ़ रहे हैं तो इतना तक हम पढ़ा रहे हैं। ओके ठीक। उसके बाद से जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे टॉपेस्ट एग्जाम्स कहा जाता है यूपीएससी, तो उसका भी एक लिमिटेशंस होता है कि हाँ ये बच्चे एग्जाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, उसके बाद से क्या होगा उन्हें उसके रैंक अनुसार से उसको पोस्ट दिया जाएगा। ओके ये नहीं कि पढ़ लिया और उनको बहुत बड़ा पोस्ट मिल गया, ऐसा नहीं, उसके लिए उतना एग्जाम आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही वहां पर उन्होंने क्या किया बनाया कि जन्मजात किसी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, उसकी हैसियत जो है उसकी योग्यता होनी चाहिए कि किस योग्य है उसी के अनुसार से उसे कोई पोस्ट का होगा मिलेगा या सरकारी कार्यालय में का करेगा काम करेगा। ओके स्वतंत्रता समान नियम तथा समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जाय जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने किया था रखा था। ओके मतलब ये जो बात विचार थी कि आदमी की पहचान उसके क्या बोलते हैं जन्म के आधार पर नहीं, उसके वर्ग के आधार पर नहीं, उसकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए और ये विचार कोई और नहीं, ये जो मिडिल क्लास के लोग थे जैसे कि इसमें से रूसो है, जॉन लॉक है, जाय जॉक है, इन्होंने क्या किया था बात को रखा था। और रूसो जैसे दार्शनिक ने अपने ट्राइटेस ऑफ द गवर्नमेंट नाम की किताब है उसमें लिखा था राजा को दैवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। मैंने उन्होंने कहा कि राजा कोई भगवान नहीं है, राजा कोई निरंकुश जो नियम बनाकर टांग देता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी उसका क्या होना चाहिए एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए और आम लोगों से पूछ कर ही उसको क्या करना चाहिए डिसीजन लेना चाहिए, वो बात यहाँ लिखा भी है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का एक प्रस्ताव रखा और मास्टिन ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर तीन चीज का मांग किया। किसका मांग किया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। मतलब कि अभी भी हम जानते हैं जिस देश में हम रहते हैं भारत देश है और यहाँ पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे पावर जो है एक आदमी के का है मुट्ठी में सेंट्रलाइज है केंद्रित है, ऐसी बात नहीं। हमारे देश में भी जो हमारी शक्तियां हैं देश की उसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और क्या न्यायपालिका के बीच में क्या है पावर को क्या किया गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर कोई झगड़ा लड़ाई हो जाए, चाहे पुलिस का झगड़ा हो चाहे सरकार का झगड़ा हो, उसको डिसीजन देने का अधिकार अगर जिसके पास है तो वो कौन है? न्यायपालिका है। विधायिका का काम आप लोग जानते हैं कानून बनाने का काम होता है और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका उसको पालन करवाने का काम करते हैं, हम लोग आसान भाषा में पुलिस कहते हैं। ओके तो ये चीज बांट दिया गया। ओके उसके बाद से जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी थी, यानी कि जब अमेरिका में ब्रिटेन का जो उपनिवेश था जब वहां से उपनिवेश को हट गए और गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट जब पावर में आए तो उन्होंने जो सरकार बनाई उस सरकार में जो शक्ति को जो अलग अलग भागों में बांटा गया था इसी मॉडल को अपनाया गया था। मतलब विधायिका अलग रहेगा, कार्यपालिका अलग होगा और क्या होगा न्यायपालिका अलग होगा। ओके उसके बाद से फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी का प्रेरणा एक महत्वपूर्ण क्या थी स्रोत भी थी। मतलब लोगों को लगता था कि जो अमेरिका में जो घटना घटी है अमेरिका में जैसे लोगों को अधिकार मिला हुआ है ठीक हमें भी वैसे ही क्या होना चाहिए अधिकार मिलना चाहिए, और जिसके कारण फ्रांस में जबरदस्त क्रांति होती है। जब क्रांति के बाद से जब नई सरकार की गठन होती है तो वहां पर इसको क्या किया इस मॉडल को अपनाया गया। ओके